हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्टचे चेअरमॅन पॅरी जिया खान यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने शनिवारी मोठा ताजबाग परिसरात आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या दरम्यान मोठ्या संख्येने लोकांनी या शिबिराचा लाभ घेतला असून पॅरी खान यांना भरभरून शुभेच्छा दिल्या. या प्रसंगी VKB न्यूजतर्फे घेण्यात आलेल्या मुलाखतीत त्यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. ताजबाग ट्रस्ट के चेयरमैन ऑक्सीजन मैंस के नाम से फेमस पैरे खान साहब का जन्मदिन है, उनको VKB की टीम के तरफ से पूरी जन्मदिन की बधाई. क्या खास आयोजन आज यहाँ पे कैंप है, आरोग्य शिविर है, स्वास्थ्य शिविर का कैंप है? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है ये कि सुबह से लेके अभी तक तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग अपना चेकअप करा चुके हैं और कई लोगों को चश्मे मिल चुके हैं. उसके बाद तुम्हारा स्वास्थ्य जो संबंधित जितनी भी यानी कि तकलीफें थी, इस टाइप का शिविर यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ और मुझे बहुत खुशी हो रही है. हजरत बाबा की आप शरण में हैं और ऐसे में बहुत गरीबों को स्वास्थ्य शिविर का लाभ, क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, ये हर मेरे ख्याल से जितने भी जो पैसे वाले लोग हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या गरीब जो होते हैं वो किसी ना किसी की तरफ अपनी आँख से देखते हैं, तो मेरा उन सब जितने भी पैसे वाले उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका जन्मदिन हो या कोई भी खुशी का त्यौहार हो या किसी भी चीज़ की आपको खुशी हो तो वो इन गरीबों के साथ मिलके ही मनाएं. जैसे कि आप देखते हैं हमारे देवेंद्र जी या गडकरी जी या जितने भी बड़े लोग हैं, सेवा भाव जो लोग होते हैं, तो वैसे ही करना चाहिए और यही असली सेवा है. वर्षों से आप देखते आ रहे खान साहब इस परिसर को, सारी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से ये दौर आया हुआ है, आपने जब से कमान संभाली है, ये सारी चीज़ें देखी गए, हॉस्पिटल आ गया है यहाँ पर, गरीबों के लिए सेवाएं आ गए हैं, खुद को कितना खुशनसीब मानते हैं कि ये काम आपको मिला? देखिए, मैं सबसे पहले बाबा जान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बिठाया, और ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि ये काम उन्होंने मेरे हाथ से लिया. अब शुरू हो गया है तो अब तो चलता रहेगा, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, और ये सरकार बाबा ताजुद्दीन का करम है कि वो उन्होंने गरीबों के हक में ये मेरे को यहाँ लाके ये बड़ा यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी. आगे में किस तरह से इसके विकास को देखते हैं, क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल आया, सारी चीज़ें आई, जब भी इस कौम के विकास की बात की जाती है तो कई तरह के सवाल आप पर दागे गए, चुनाव का मौका था, लेकिन बावजूद इसके आप रुके नहीं और बदस्तूर ये सारी चीज़ें चल रही है. देखिए, नितिन जी का एक सपना है कि यहाँ पे 400 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो बस वो सपने को मैं पूरा करने जा रहा हूँ, और उसकी एक छोटी सी शुरुआत है. देखिए, उन्होंने मुझे बताया कि गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए, और इनका कौन है, इनका इनके सोचने वाला कौन है, तो ऐसा उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो गडकरी जी ने बोला है. सपना आपने देखा था कि इस तरह से लोग आए यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर में, इस जगह का लाभ लें? नहीं, ये मेरे को भी बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि इतनी सारी जो भीड़ है यहाँ फर्स्ट टाइम आई है, और उधर भी एक कैंप चल रहा है, एक कैंप, ऐसे तीनों चारों कैंप चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, और अगले साल से हम इसको इंशाल्लाह काफ़ी बड़े पैमाने पे इसको बढ़ाएंगे. महिलाओं से भी जान लेते हैं. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. हाँ, हुआ था, लेकिन उससे अच्छा इस बार अच्छा लग रहा है. हाँ, खान साहब के बारे में तो बहुत दुआ है, और उनको जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया उनका, तो अल्लाह ताला खूब लंबी उम्र दे उन्हें, उन्हें खूब लंबी उम्र दे और ऐसी लोगों की सेवा करने का मौका दे. क्या कहेंगे अभी? नहीं, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए. VKB न्यूज की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी तरक्की करते रहे और लोगों को. बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया. खान साहब का बर्थडे था, पहले तो उनको विश किया, रात में 12 बजे कॉल किया, फिर कॉल करने के बाद गिफ्ट क्या दूँ वो सोचा, तो सारी गिफ्ट मुझे नहीं समझ में आए, तो मैंने क्या किया, 10 किलो की बिरयानी बनाया हूँ मैंने, वहाँ से रेडीमेड खरीदी है, और हमने मेवा हॉस्पिटल में उसको पूरा सर्व किया गरीब लोगों में, जो पेशेंट वगैरह थे, सब चीज़ों को. वो तो खान साहब का बोलना ही वही है कि आप सिर्फ कौम की खिदमत करो, तो हमने गिफ्ट देने के बजाय वहाँ से हमने खिदमत ही की, और खान साहब को भी लगा कि ठीक है, अच्छा करें, और आगे भी हम चाहते कि खान साहब हमको ये सब खिदमत करने का मौका दें. कि हम तो कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह इससे बेहतर करेंगे, और हमारी कौम के लिए और हमारे लोगों के लिए, और ऐसे मौके पे इंशाल्लाह ज़रूर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करना चाहते हैं. हाँ, इनके वजह से बहुत लोगों में यानी इंश्योर हुए लोग, यानी समझदारी लोग ला रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं इनके साथ में, तो हम कोशिश ये करें कि सबको जोड़ के इंशाल्लाह एक अच्छा सा भुगतान लोगों को दे, लोगों को बताए कि भैया ये कौम आप आगे बढ़ना चाहती है.
जी बहुत बहुत दिल से सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर को, और सर ऐसे ही सब अच्छे नेक काम करते रहे, और सर की वजह से लोगों को इन्हें मेडिकल कैंप वगैरह की फैसिलिटी मिलते रहे हमेशा। नेकी में तो दुआ ही देंगे, जहाँ नेक काम करोगे आप, अगर आपका दुश्मनी भी है वो तो वो आपको दुआ ही देगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम वही समझता है, और उसमें अगर आप हेल्प करते हो तो बेहतर रहता है कि वो दुआ ही देता है चाहे कोई भी हो। और खान साहब के लिए मैं दो वर्ड कहूँगा कि जो मुस्लिम समाज है, ये मुस्लिम समाज एक इस्लाम का दिया है, तो ये दिया जो है, दिए में अलग 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 लोग एक दिए का रोशनी देने का काम करते, लेकिन खान साहब ने आज वो काम किया है जो पूरे इंडिया को बोलो या पूरे नागपुर को बोलो, एक बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। कोई पार्टी इतना पावर नहीं देती है, कोई पार्टी इतना काम नहीं करती है जितना नागपुर में खान साहब ने किया है। हमारी लाइब्रेरी का काम है, हमारे स्पोर्ट्स का काम है, हमारे एजुकेशन का काम है, मैक्सिमम काम अगर कोई भी लोग चेक करना चाहता है तो बेशक चेक कर सकता है। खान साहब ने अपने दिल से, अपने पैसों से, अपने यानी हेल्थ वेल्थ सारी चीज़ें उन्होंने लगा दी उसमें, और वो काम किया, और वो काम हमने डॉक्यूमेंट्री देखा, ऐसा नहीं कि हवा में बात किया है। अभी तक के हम आश्वासन पे रहे, लेकिन अब आश्वासन पे नहीं रहेंगे, हम डॉक्यूमेंट्री चेक करते हैं। खान साहब की हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री चेक किया, और उन्होंने हमको प्रूफ के साथ बताया कि हमने ये काम करके दिया, उसके बाद हम लोग उनसे जुड़े हुए। तो कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश हेडाउ, वीकेबी न्यूज़ नागपुर।